नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार में विधानसभा के दो सीट मोकामा और गोपालगंज में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और आज से जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। बता दें कि 3 तारीख को वोटिंग होगी और 6 तारीख को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। अगर इस उपचुनाव की बात करें तो बीजेपी और महागठबंधन ने तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी है, लेकिन अगर मौजूदा समीकरण को देखते हुए बात किया जाए और अगर सबसे पहले हम गोपालगंज विधानसभा सीट की बात करें तो वहां पे बीजेपी की जो स्थिति है वो मजबूत मानी जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम मोकामा की बात करें तो मोकामा में जो अनंत सिंह की पत्नी है नीलम देवी, उनकी चुनावी मैदान में उतरने के बाद आप कह सकते हैं कि एक दबदबा देखने को मिल रहा है। जो लगातार समर्थक हैं उनके साथ दिख रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने चुनावी मैदान में हुंकार भरी है उसके बाद से एक मजबूत दावेदारी उनकी मानी जा रही है। तो बता दें कि जो दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो दो विधानसभा सीटों मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है और आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू चुकी है। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 6 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। इस उपचुनाव के लिए बीजेपी और महागठबंधन दोनों ने ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है और अगर मौजूदा समीकरण के आधार पर देखें तो गोपालगंज में बीजेपी की स्थिति जो है वो काफ़ी मजबूत बनी हुई है। गोपालगंज बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। नीतीश कुमार के बीजेपी का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने के बाद यह पहला चुनाव है जिसे काफ़ी रोचक होने की उम्मीद मानी जा रही है। बीजेपी नेता सुभाष सिंह के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। सुभाष सिंह यहां से लगातार 4 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी इस चुनाव में सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को चुनाव मैदान में उतार सकती है। पार्टी को सहानुभूति लहर का फायदा मिलने की भी उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन को बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कहा जा रहा है कि राजद महागठबंधन की ओर से अपना उम्मीदवार उतार सकता है, हालांकि कांग्रेस भी यहां से अपना दावा पेश कर सकती है। वैसे विकासशील इंसान पार्टी भी यहां से अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुकी है। वैसे तय माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबला राजद और बीजेपी के बीच ही होगी। इस चुनाव परिणाम का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इस चुनाव में महागठबंधन और बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। एक तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उपचुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर सरकार को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, वहीं आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपने दम पर बिहार जीतने को लेकर चल रही बीजेपी के लिए भी यह उपचुनाव अहम माना जा रहा है। बीजेपी यह चुनाव जीतकर यह साबित करने की कोशिश करेगी कि बीजेपी किसी गठबंधन की मोहताज नहीं है। गोपालगंज विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को मतदान होंगे जबकि 6 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और उसी दिन नतीजे आएंगे। उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 7 अक्टूबर यानी आज से शुरू हो गई है। नामांकन वापसी की तारीख 17 अक्टूबर है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए अपने रेडियो फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।